हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। फ्रेंड्स, कई सारे स्टूडेंट्स हमें क्वेरीज भेज रहे थे कि सर आईआईटीज डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज के लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स क्या क्या होती है, अगर मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ या फिर मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हमने सारा डाटा कलेक्ट किया हुआ है और आज हम उसी के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप जेम मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हो तो आपका एक मोटिव होना चाहिए कि मुझे एमएससी के बाद क्या करना है। तो फ्रेंड्स, जो आपका मोटिव होता है एमएससी के बाद क्या करना है, वही आपका जो आईआईटी का सिलेक्शन है कि मुझे एमएससी किस आईआईटी से करनी है, वह फ्रेंड्स आपके आईआईटी सिलेक्शन को प्रेफरेंस देता है। क्योंकि काउंसलिंग के अंदर हमें 3 या 4 चॉइसें भरनी होती है, तो जो प्रेफरेंस आप टॉप पर भरते हो उसे मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको काउंसलिंग भी बहुत ध्यान से करनी होती है। तो फ्रेंड्स, काउंसलिंग आप तब ध्यान से कर पाओगे जब आपको प्रीवियस ईयर का डाटा आपके पास होगा। तो फ्रेंड्स, वो डाटा हमने कलेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं आईआईटी बॉम्बे की बात करूं तो जनरल के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक थी, ओपनिंग रैंक थी 3 और ये क्लोजिंग रैंक है 27। फ्रेंड्स, यहाँ पर ओपनिंग रैंक लिखी हुई है और यहाँ क्लोजिंग रैंक, तो ओबीसी के लिए थी 37 ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक थी 83। और जो एससी कैटेगरी है उसके लिए ओपनिंग रैंक थी 219 और क्लोजिंग रैंक थी 697। और जो एसटी कैटेगरी है उसके लिए रैंक थी फ्रेंड्स ओपनिंग 212 और जो क्लोजिंग रैंक है वो थी 781। अब फ्रेंड्स, अगर कोई प्योर मैथमेटिक्स को पसंद करता है और प्योर मैथमेटिक्स में पीएचडी करना चाहता है तो फ्रेंड्स उसके लिए आईआईटी बॉम्बे बेस्ट प्लेस है, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे से वो एमएससी कर सकता है और प्योर मैथमेटिक्स में अपने इंटरेस्ट को और बढ़ा सकता है। और फ्रेंड्स, आईआईटीज के अलावा आइजर और आईआईएससी बेंगलोर, उसके बारे में भी हम आपको जल्द ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन के अलावा आईआईटी आईआईएससी और आइजर वगैरह, तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको भी जल्द ही यहाँ बुलाकर उनसे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करवाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कोई अप्लाइड मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है और एमएससी के बाद वो एमटेक करने में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गुवाहाटी बेस्ट प्लेस है फ्रेंड्स। क्योंकि लोग बीएससी करने के बाद भी जेएम का एग्जाम देते हैं और बीटेक करने के बाद भी जेएम का एग्जाम देते हैं, तो कई लोग जो बीटेक सीएस ब्रांच से करते हैं या फिर जिनकी ब्रांच मैं कहूँ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होती है, तो उनके लिए आईआईटी गुवाहाटी एमएससी के लिए बेस्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का कोर्स होता है। तो फ्रेंड्स, आपको आईआईटी वह चूज करनी है जिसमें आपका एमएससी का कोर्स आपका इंटरेस्टेड हो, तो आप आईआईटी चूज करने से पहले वहां का एमएससी का कोर्स परफॉर्मा देखें और उसके बाद ही आईआईटी सेलेक्ट करें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज की, हमने कुछ आईआईटीज की आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक बताई हुई है, जैसे आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी इंदौर एंड आईआईटी रोपड़। और फ्रेंड्स, बाकी हम आपकी क्वेरीज भी सॉल्व करते रहेंगे और अगर आपको और कोई क्वेरीज है तो वो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।